रांची रिम्स गर्भवती महिला मरीज को ले जाने के क्रम में मछियारस में एक स्वास्थ्य एम्बुलेंस हुई खराब। लगभग 2 घंटे बाद आई दूसरी एम्बुलेंस, तब तक गर्भवती महिला मरीज की हो गई मौत। बता दें, झारखंड में स्वास्थ्य सेवा रिक्शा तो तभी खाट में नजर आती है, लेकिन उसमें मरीज अस्पताल तक पहुंच जाता। वही धनबाद जिले में आई चमचमाती 108 एम्बुलेंस उस खाट और रिक्शे से भी खराब है। धनबाद के निजी अस्पताल से 8 माह की गर्भवती महिला मरीज की स्थिति खराब होने पर रांची रिम्स से रेफर डॉक्टर ने किया था। धनबाद में गर्भवती महिला मरीज शांति देवी को 108 एम्बुलेंस से रिम्स ले जाने के क्रम में महोदा थाना क्षेत्र मछियारा में खराब हो जाती है। दूसरी एम्बुलेंस लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचती है, तब तक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गर्भवती महिला गिरिडीह जिले के चरघरा का रहने वाली थी, उसके साथ पति, बहन और गोतनी भी थी। 108 एम्बुलेंस के कर्मी ने बताया कि अचानक एम्बुलेंस खराब हो गया, जिसके कारण यहां रुक गई थी। वहीं मृतिका के गोतनी और पति ने कहा कि 108 एम्बुलेंस से रिम्स शांति को ले जा रहे थे, वह 8 माह की गर्भवती थी। 108 एम्बुलेंस के खराब होने के कारण यहां 1 घंटे से रुके हुए थे, जिसके कारण शांति की मौत हो गई है। कार में भी लाई गई है सर, लेकिन सर आज यहीं पे जिस रास्ते में आप आए हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पे सर गर्भवती महिला 108 एम्बुलेंस की मौत हो गई है सर, इसमें सर जिम्मेवार कौन है? नहीं, सिर्फ यही नहीं है, झारखंड का भी कुछ दिन पहले संथाल परगना में भी इस तरह घटना आई। अभी मैंने देख रहा था सोशल मीडिया में, एक हमारी बहन को ले जा रहा था, वो वहीं डिलीवरी कर गया। तो पूरी सरकार बीमार है, आप देख रहे, डेंगू इतनी बड़ी फैली हुई है, जहाँ डेंगू में अनेकों लोग की जान जा रही है। कोरोना सा भी खतरनाक बीमारी डेंगू झारखंड में, लेकिन सरकार की कोई सुध नहीं। 108 हमने 329 108 गाड़ी बनाई थी, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण रहते हैं उनको किसी तरह की कभी इमरजेंसी हो तो। लेकिन उस 108 में आपने देखा होगा ड्राइवरों को 5-5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा, ये स्थिति सरकार की, सरकार से जनता को कोई अपेक्षा भी नहीं है। गाड़ी आ रहे थे हम लोग लेके, ऐसे ही गाड़ी में कुछ पार्ट्स जल जाने के कारण गाड़ी दूसरा गाड़ी बुला दिए। पेशेंट की डेथ हो चुकी है? नहीं, अभी तक तो नहीं। गाड़ी में दिक्कत ये पहली बार हुई है कि पहले भी हो चुकी है? नहीं, ये पहला हुआ। नाम पूछ के जाना डॉक्टर का घर के की। अभी यहाँ की भेलो? यहाँ कुछ और भेलो, इसने लखन लाग लिया और तो इसने मतलब ओ डेट कर। तो अभी क्वेश्चन कर, एम्बुलेंस खराब यहाँ हो गेलो? हां, उस टाइम माने जिन ठीक हलो? हां, उन्हें से ठीक हलो, मतलब उसका काम खराब हलो रे। और नहीं होगा के हलो तो गोती तो गर्भवती भी है? हां हैं। हां, कितना दिन के? 7 महीने। क्या हुआ था, कौन है आपकी वाइफ? क्या हुआ था उनको? उसका झटका एक अचानक चालू हो गया था, शरीर में पूरी हाथ नीचे ऊपर हो रहा था, मुंह टेढ़ा होता, लार निकल रहा था। तो आप, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी? हाँ। पूरा बताइए क्या प्रेग्नेंट? 8 महीना 10 दिन हुआ था। तो अभी यहाँ पे कैसे क्या हुआ बताइए? गाड़ी के कोई ये थी, गाड़ी खराब हो गया होने के कारण ऐसा हो गया। कितना देर पहले से यहाँ पे गाड़ी खराब? 1 घंटा लगा होगी। क्या बोले ड्राइवर वगैरह जो थे वो लोग कहाँ गए? किधर पता नहीं, अभी दोनों एक इधर है, ड्राइवर किधर चला गया? कहाँ के रहने वाले हैं? चरघरा, गिरिडीह जिला। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड का ये पहला केस नहीं है, संथाल सहित पूरे झारखंड में ऐसा कई केस देखने को मिला है कि सरकारी सुविधा के अभाव में कभी कभी जो है परिजन अपने मृतक परिवार को जो है साइकिल में बांध करके भी ले गए हैं, ये भी देखने को मिला है। झारखंड सरकार इस मामले में बिल्कुल निकम्म साबित हुई है। झारखंड सरकार गरीबों को किसी भी प्रकार का सुविधा देने में विफल साबित हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो,
चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो। झारखंड सरकार केवल और केवल अपने इस 4 साल के कार्यकाल में झारखंड के संपदाओं को लूटने और लुटवाने का काम किया है। और अगर उस महिला की जो जान चली गई है, इसके पीछे झारखंड सरकार की व्यवस्था पर सवालिया निशान उठता है। अगर झारखंड सरकार की व्यवस्था सही होती तो उस महिला और उस बच्चे का जान बचाया जा सकता था। लेट से एम्बुलेंस पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि झारखंड सरकार कितनी निकम्मी है और कितनी लापरवाह है।